ओके सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो अपना चार्ट रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, उसी में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में AS2। राइट, AS2 का पूरा चार्ट का क्विक रिवीजन करेंगे, पूरे AS का पूरा क्विक रिवीजन करेंगे। मैं आपको जो क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ वो कहाँ से करवा रहा हूँ, वो मैं करवा रहा हूँ अपनी चार्ट बुक से। मेरी चार्ट बुक अवेलेबल है vsmartacademy वेबसाइट पे, vsmartacademy.com। आप वहां से चाहें तो 250 रुपीज में आप चार्ट बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर उस टाइम पे 250 है। ओके, ये जो चार्ट है ये कलरफुल चार्ट मिलेगा आपको और पूरा प्रॉपरली हम इसको रिवाइज कर सकते हैं आराम से। ये लेक्चर आपको काम आएगा एग्जाम से जस्ट पहले। मैं एक इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर दूं जो मैं हर रिवीजन लेक्चर में बताता हूं कि ये जो रिवीजन मैं करवा रहा हूं इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है। कोशिश करके 20 से 25 मिनट में मेरा कोशिश रहता है कि हर टॉपिक 20 से 25 मिनट में, स्पेशली जो AS का टॉपिक है वो करवाऊं ताकि एग्जाम डेज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सो याद रखिएगा ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है एग्जाम डेज के लिए, ठीक है ना। AS2 अकाउंटिंग, सॉरी AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। हमारे AS2 का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। गाइस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीजें हैं पहले हम ऊपर से एक बार समझ लें कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में कौन कौन सी चीजें हमारी कवर होती हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, इन्वेंट्री की मीनिंग क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई इन्वेंट्री जो होता है AS2 वो कौन कौन सी चीजों पे, AS2 कौन कौन सी इन्वेंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई जो इन्वेंट्री के ऊपर AS2 एप्लीकेबल होता है उसका मेजरमेंट टेक्निक क्या होता है। आपने सुना होगा आमतौर पर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV तो ठीक है, पर ये कॉस्ट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई इन्वेंट्री को अल्टीमेटली एक्सपेंस कब मानना है और असेट कब मानना है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कुछ स्पेशल केसेस हैं जो छोटे मोटे स्पेशल केसेस पूछे जा सकते हैं या जो हमें पता होना चाहिए नॉलेज वाइज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले AS2 इन्वेंटरी का डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ द इन्वेंटरी। गाइस याद रखना हमेशा AS2 के अकॉर्डिंग जो इन्वेंटरी का डेफिनेशन दिया गया है वो तीन हिस्सों में कवर किया गया है ताकि रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स तीनों के तीनों कवर हो जाएं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मीनिंग इन्वेंटरी इज एन असेट। देखो वो सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई साहब, सबसे पहले वो बोल रहा है कि इन्वेंटरी जो होता है ना, इन्वेंटरी जो होता है वो असेट होता है। इन्वेंटरी क्या होता है? असेट होता है। इन्वेंटरी एक असेट होता है विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखे हुए हो। अब जैसे मैं बोलूं कि आप एक मशीन खरीद के लाए, उस मशीन से आप प्रोडक्शन करोगे और गुड्स बनाओगे, तो ये मुझे बताइए कि मशीन आपका इन्वेंटरी हुआ कि गुड्स आपका इन्वेंटरी हुआ? ऑब्वियसली गुड्स आप जो आप बनाओगे अब वो आपका इन्वेंटरी हुआ क्योंकि वो आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते रहोगे। बट मशीन जो है वो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचोगे। यस, जब मशीन आपकी पुरानी हो जाएगी तो आपको वो डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, एट दैट टाइम वो आपकी इन्वेंटरी नहीं मानी जाएगी। सो कहने का मतलब इन्वेंटरी मतलब ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसे कोई भी फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड या फिर ट्रेडेड गुड्स जिसको आप अपने नॉर्मल बिजनेस में बेचते हो। हमेशा मैं इसमें बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि जय चावला अपने बच्चों को सर्विस देता है, मतलब पढ़ाता है, बट मैं आपको बुक्स भी तो देता हूं। ऐसे केस में जो मेरी बुक्स है वो मेरे लिए इन्वेंटरी मानी जाएगी, डेफिनेटली मानी जाएगी, क्योंकि मैं आपको मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, बुक्स पढ़ाना, उसके लिए बुक्स बेचना जरूरी है, बुक्स प्रोवाइड करना जरूरी है, तो बुक्स मेरे लिए होगा इन्वेंटरी। बट यहीं पे अगर मेरे पास कैमरा है, मेरे पास इक्विपमेंट्स है, मेरे पास लैपटॉप है, वो मेरी इन्वेंटरी नहीं है, वो मेरी फिक्स असेट्स है। तो पहला आ गया हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड फॉर सेल नॉट फॉर यूज। मैं यहां पर लिख देता हूं हेल्ड फॉर सेल नॉट हेल्ड फॉर यूज। दूसरा, इन्वेंटरी एक असेट है जो कि जिसमें हमने देखा हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। दूसरा क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। अब मान लीजिए आपको सेल करना है, आपको क्या सेल करना है, फिनिश गुड सेल करने, आपको अल्टीमेटली गुड सेल करने, पर गुड्स को सेल करने के लिए आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मान लीजिए ईयर एंड पे, बैलेंस शीट डेट पे अभी आपका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ईयर एंड पे आपका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट गुड्स हैं, इनकम्प्लीट गुड्स, तो उन इनकम्प्लीट गुड्स को भी क्या बोलोगे, इन्वेंट्री बोलोगे, WIP के फॉर्म में। तो ऐसे इनकम्प्लीट गुड्स जो कि अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, सेल करने के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करने के लिए अभी हमने उनको
पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी वो इनकंप्लीट है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आई बात समझ में। तो पहला हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा इन द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन फॉर सच सेल। अब तीसरा प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। मैं रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के लाऊंगा। अब मेरे पास रॉ मटेरियल जो चाहिए, मान लीजिए मेरे पास जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है बैलेंस शीट डेट पर, अभी मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया है, अभी मैंने उसको यूज नहीं किया प्रोडक्शन में, मतलब अनकंज्यूम्ड रॉ मटेरियल जो मेरे पास रखा है, क्या वो मेरे लिए इन्वेंट्री होगा? बिल्कुल इन्वेंट्री होगा। तो मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड, क्या लिखा है, टू बी कंज्यूम, मतलब जिसको मैं फ्यूचर में कंज्यूम करूंगा इन द प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन करूंगा तो उस मटेरियल को, सप्लाईज को। आप बोलोगे सर मटेरियल और सप्लाई में फर्क क्या है? मटेरियल्स मतलब मेन रॉ मटेरियल, सप्लाईज मतलब छोटे मोटे उसके साथ जो पैकिंग आइटम वगैरह लगते हैं, आप उसको सप्लाईज बोल सकते हो, मतलब रॉ मटेरियल। तो कुल मिला के इन्वेंट्री में तीन चीजें कवर हो गई। इन्वेंट्री में कौन सी तीन चीजें कवर हो गई गाइस? पहला फिनिश गुड्स मतलब हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा WIP इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनकम्प्लीट गुड्स फॉर सच सेल, और तीसरा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज विच आर टू बी कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री। अब ऐसे कौन कौन सी इन्वेंट्रीज हैं? इन्वेंट्रीज हैं बट उनके ऊपर AS2 नहीं लगता है। पहला WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्डर्स, रियल एस्टेट। मैं यहां पर बात कर रहा हूं रियल एस्टेट, मैं यहां पर बात कर रहा हूं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डर्स के केस में जो 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 WIP होता है, जैसे मान लीजिए जो बिल्डर होता है वो क्या करता है, वो बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पास रेत गिट्टी सीमेंट वगैरह होता है, उसने बिल्डिंग खड़ा किया, अभी उसका बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, वो उसके लिए स्टॉक हुआ, डेफिनेटली वो उसके लिए इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री होता है, पर ये इन्वेंट्री यहां पर AS2 में कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो WIP है इसके ऊपर AS7 लगेगा। AS7 के हिसाब से अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग होती है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग ऑलरेडी AS7 में कवर है, तो इसीलिए AS2 is not to be applicable on construction contracts वाले WIP में, ठीक है। दूसरा सिर्फ WIP बोल रहा है। अच्छा यहां पर याद रखना, बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेंट्री होगी वो पूरी की पूरी एप्लीकेबल नहीं होगी AS2 में। नहीं 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 नहीं, AS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द WIP ओनली। इसका मतलब अगर आपके पास मान लीजिए रॉ मटेरियल रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, आपके पास फिनिश गुड्स रखा हुआ है, पूरा फिनिश कप आपने बना दिया पूरा कंस्ट्रक्शन करके, फिर ऐसे केस में AS2 लग सकता है। तो याद रखना सिर्फ WIP के केस में नहीं लगता। दूसरा WIP फॉर सर्विस प्रोवाइडर सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी मेडिकल सर्विसेज। अब जो सर्विस प्रोवाइडर लोग होते हैं वो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं आपकी कंपनी को ऑडिट सर्विस देना चाहता हूं। ऑडिट एक सर्विस है। तो मान लीजिए मैंने आपको सर्विस देना शुरू किया, अभी ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है और पहले से ही बैलेंस शीट डेट आ गई, अभी वो इनकंप्लीट सर्विस चल रही है, तो क्या ये इनकंप्लीट सर्विस को मैं इन्वेंट्री मानूं? यस, ये मेरे लिए इन्वेंट्री है, बट इसके ऊपर AS2 नहीं लगेगा, क्योंकि AS2 सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम्स के ऊपर लगता है। तो याद रखना AS2 सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम्स के ऊपर लगता है। ये जो है ये चीज कौन सी है? इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल इन्वेंट्रीज जितनी भी होती हैं उसके ऊपर AS2 नहीं लगता। तो सर फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में आप AS26 लगा सकते हो, इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। तीसरा शेयर्स डिबेंचर्स अदर सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब मान लीजिए कि मेरा काम ही है कि मैं हर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदता हूं और जब मुझे लगता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई है मैं बेच देता हूं। मेरा धंधा ही यही है, धंधा मतलब मेरा काम ही यही है, मैं कुछ और नहीं करता हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं और कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूं, मेरा पूरा दिन भर में ये रहता है। मैं कमाता ही हूं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके कि मैंने शेयर्स खरीद लिए, सिक्योरिटीज खरीद लिए, जब मुझे लगा यार मार्केट बढ़ गया बेच दो, मार्केट बढ़ गया बेच दो, मेरा धंधा ही यही है। ऐसे केस में इसका मतलब आई एम डीलिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स में जो व्यक्ति डील करता है, भले आपके पास वो स्टॉक इन ट्रेड रखा है, जैसे मान लो मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेस किया, मैंने सोचा यार पड़ा रहे जब वैल्यू बढ़ेगी मैं बेच दूंगा, वैल्यू बढ़ गई मैंने बेच दिया, तो जब तक मेरे पास वो रखा रहा था हो सकता है वो मैं उसको अपना स्टॉक इन ट्रेड मान रहा हूं, पर ऐसी इन्वेंट्री के ऊपर AS2 नहीं लगता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं लग रहा, ये भी तो एक तरीके से इन्वेंट्री हुई, क्योंकि इसके ऊपर अलग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, अलग गाइडेंस बताई गई है, ठीक है। और चौथा लाइव स्टॉक एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड गैसेस, मतलब सीधी बात है नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और लाइव स्टॉक मतलब जैसे अमूल कंपनी हो गई। अमूल कंपनी आप जानते हो कि बहुत बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी कंपनी है। अब उसके पास कई सारे बायोलॉजिकल असेट्स होंगे, बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब है एनिमल्स,
उसके पास कई सारे एनिमल्स होंगे, तो उन एनिमल्स के ऊपर भी क्या AS2 लगेगा? द आंसर इज नहीं, उसके ऊपर अलग से गाइडेंस बताई गई है। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी अलग से गाइडेंस बताई गई है, अलग से स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए AS2 नहीं लगता। तो AS2 कुल मिला के चार चीजों पर नहीं लगता। पहला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो WIP अराइज होता है, सिर्फ वो, सिर्फ WIP की बात चल रही है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर के केस में जो इनकम्प्लीट सर्विसेज होती है, मतलब जो WIP होता है, इनकम्प्लीट कंसल्टेंसी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज वगैरह वगैरह, उसके ऊपर नहीं लगता AS2। तीसरा, सिक्योरिटीज शेयर्स को अगर आप हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड रखा है तो उसके ऊपर नहीं लगता। और चौथा, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको जनरली पता है AS2 में क्या होता है। AS2 में इन्वेंट्री को हम किस पे मेजर करते हैं? इन्वेंट्री, जिस इन्वेंट्री के ऊपर AS2 एप्लीकेबल होता है। इन चार के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होता। अब इन चार का मेजरमेंट कैसे होगा? इन चार का मेजरमेंट कोई दूसरे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे तो उनके अकॉर्डिंग होगा। अब AS2 में जो इन्वेंट्री कवर है उसके ऊपर मेजरमेंट कैसे होता है? बैलेंस शीट डेट पर आपको अपनी इन्वेंट्री को मेजर करना पड़ता है एट कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, मतलब इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी और उसका NRV क्या है। NRV का मतलब ये होता है कि आगे चल के आप उसको कितने पे बेचोगे, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस बेचने का कितना एक्सपेंस आ सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं आगे चल के 150 रुपीज पर यूनिट बेचूंगा, उसके लिए मुझे 5 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा, तो मुझे नेट 145 मिलेगा और मेरा कॉस्ट था 140, तो 140 और 145 विच एवर इज लोअर, मतलब मैं कॉस्ट पे बुक करूंगा इसको, ठीक है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब अपन जब आते हैं NRV पे तो क्या लिखा है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, मतलब कॉस्ट टू सेल मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, कॉस्ट पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या चीजें आती हैं? हमेशा याद रखना बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन चीजें आती हैं। पहला, परचेस कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ जाएंगे। रिफंडेबल टैक्सेस नहीं, GST का अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है तो वो नहीं आएगा, अगर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो आएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब आएगा, ठीक है ना। दूसरा, उसमें फ्रेट आ गया वगैरह, कैरेज वगैरह सब आ जाएगा। दूसरा, कन्वर्जन कॉस्ट। ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब इसमें सब लिखा हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है जब आप किसी इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, तो कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में देखो क्या लिखा है। कन्वर्जन कॉस्ट में पहला खर्चा आता है लेबर का, और कन्वर्जन कॉस्ट में दूसरा खर्चा आता है ओवरहेड्स का। तो कन्वर्जन कॉस्ट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है लेबर कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, और दूसरा ओवरहेड का कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब आप बोलोगे सर ओवरहेड तो बहुत सारे तरीके से होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, उनको डायरेक्टली पी&L में डालना है। आपने ये चीज कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। दूसरा, अब आप बोलोगे सर ओवरहेड भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैं बोलूंगा कि दोनों टाइप के प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपकी इन्वेंटरी की कॉस्ट में आएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा इज अदर कॉस्ट। आप बोलोगे सर ये अदर कॉस्ट मतलब, जनरली इस अदर कॉस्ट में आप लिख लेना, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा नहीं है, मैं इसको अपडेट करूंगा डेफिनेटली। जनरली ये अदर कॉस्ट में क्या आता है? अदर कॉस्ट में आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? और क्या आएगा? और कुछ नहीं आएगा। क्यों सर? अदर कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को उसकी करंट लोकेशन तक पहुंचाने के लिए लगती है, जहां से आप उसको सेल करोगे, मतलब इन्वेंट्री को उसकी उस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए कॉस्ट लगेगा जिस लोकेशन से आप अल्टीमेटली उस इन्वेंट्री को सेल करना शुरू करोगे। तो उस लोकेशन तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो अदर कॉस्ट में आते हैं। गोडाउन चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन का रेंट, ये आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन रेंट नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट में तीन चीजें, पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट, तीसरा अदर कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट पे 2 मिनट आइए। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लेबर में कोई दिक्कत नहीं, लेबर अकॉर्डिंगली आपका पर यूनिट जैसा भी आपका लेबर का रेट है वैसा का वैसा आपका जुड़ता जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। आप सब जानते होंगे जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो भी पर यूनिट वाइज एब्जॉर्ब होते जाते हैं, बट जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं वो आपके एक लेवल ऑफ कैपेसिटी तक हमेशा फिक्स रहते हैं। तो ऐसे केस में फिक्स ओवरहेड्स को आपको
इन्वेंट्री की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कैसे करना है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कैसे करना है, बात को समझिएगा। इसके लिए एएस कहता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करोगे बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपने ओवरहेड का सब चैप्टर पढ़ा होगा, और ओवरहेड का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा ओवरहेड रिकवरी रेट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स तो बेसिकली जितना भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होगा उस अकॉर्डिंग आप एब्जॉर्ब करते जाओगे, पर जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स को आप एब्जॉर्ब करते हो बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। मान लीजिए आपने बोला कि यार आपके आपके महीने भर का अप्रैल मंथ का आपका फिक्स ओवरहेड होता है 10 लाख रुपए, और आपकी अप्रैल मंथ की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो है मान लीजिए नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स बनाना। अब आप 1 लाख बनाओगे कि नहीं बनाओगे उससे कोई मतलब नहीं, और आपका अप्रैल मंथ का बजटेड ओवरहेड कितना है फिक्स ओवरहेड 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हुआ 10 रुपए पर यूनिट, तो आप 10 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसको एब्जॉर्ब करोगे। अप्रैल में आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया मान लीजिए 60,000 यूनिट्स का, तो 60,000 × 10 मतलब आपने 6 लाख रुपए एब्जॉर्ब कर लिए। तो फिक्स ओवरहेड्स को हमेशा हमें नॉर्मल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब करना पड़ता है, एक्सेप्ट व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल। अब मान लीजिए मैंने बोला कि मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख, एक्चुअल मैंने कितना प्रोडक्शन किया 60,000 कोई बात नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया 80,000 कोई बात नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया 1 लाख कोई बात नहीं, पर मान लीजिए मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया, मान लीजिए मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 1,20,000। अब मैंने एक्चुअली रेट कितना निकाला था 10, ये रेट कैसे निकाला था 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख नॉर्मल कैपेसिटी, ये 10 रुपए रेट आया। पर अब ये 10 रुपए रेट मेरा किसी काम का नहीं, क्योंकि मैंने जो बजट रखा था कि मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा, ये मेरा बजट खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मैक्सिमम 1 लाख बनाऊंगा, 1 लाख से नीचे भी बना सकता हूं, बट इस बार हुआ क्या, मैंने 1 लाख से ज्यादा यूनिट बना दिए, मैंने बना दिए 2 लाख यूनिट। तो अब मुझे रिकवरी रेट को बदलना पड़ेगा, मैं डिवाइड बाय 2 लाख करूंगा, ये आ जाएगा 5 रुपए पर यूनिट। अब मैं 5 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करूंगा। लिखा हुआ है व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल, इन दैट केस यूज एक्चुअल कैपेसिटी। तो कुल मिला के यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछा जा चुका है, वो एग्जाम्पल आपके स्टडी मैट में आपको मिल जाएगा या फिर मेरे ट्रंप बुक में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो फिक्स ओवरहेड्स को हम नॉर्मल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब करते हैं, बट अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपके नॉर्मल कैपेसिटी से बढ़ जाए तो फिर उस केस में आप एक्चुअल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब करते हो। वापस आते हैं एनआरवी पे। अब एनआरवी में क्या करना है, एनआरवी पे याद रखिएगा, एनआरवी आप कैसे एस्टिमेट करते हो, एनआरवी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद आप उसको कितने प्राइस पे सेल करोगे। अब आप जानते हो कि बैलेंस शीट डेट के बाद, मान लीजिए आप बैलेंस शीट डेट के दिन तो फाइनलाइजेशन करते नहीं हो, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट डेट के बाद बनाते हैं। मान लीजिए जिस टाइम पे आप फाइनलाइजेशन कर रहे हो, से 29 अप्रैल को, 29th of April को आप फाइनलाइजेशन कर रहे हो, पर 29 अप्रैल से पहले आपने गुड्स को सेल किया हुआ है, सो यू कैन टेक द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट डेट। सो दिखा हुआ है बेस्ट एस्टिमेट एनआरवी, बेस्ट एस्टिमेट इज सेल इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद आपने जिस प्राइस पर सेल किया, दैट प्राइस कैन बी कंसिडर्ड एज एनआरवी। एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल नॉट मेजरेबल, हाँ याद रखिएगा। अब फिनिश गुड्स की एनआरवी कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश गुड्स की एनआरवी कैसे मेजर होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी कैसे आएगी, एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। पर रॉ मटेरियल की जो एनआरवी होती है वो मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें एएस क्या कहता है, उसमें कहता है रॉ मटेरियल की एनआरवी को मेजर करने के लिए, रॉ मटेरियल की एनआरवी को मेजर करने के लिए आपको यह चेक करना पड़ेगा कि फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन कैसे हुई है, फिनिश्ड गुड्स को कैसे वैल्यू किया गया है। देखिएगा, एनआरवी और रॉ मटेरियल नॉट मेजरेबल, इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज हायर देन कॉस्ट, अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि फिनिश गुड्स को आप अच्छे खासे प्राइस पर बेचोगे, कॉस्ट से ज्यादा पे ही बेचोगे, तो वो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को आप मेजर करोगे हमेशा कॉस्ट पे। आप ये अज्यूम करोगे कि अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का भी कहीं ना कहीं एनआरवी रॉ मटेरियल की कॉस्ट से ज्यादा ही होगा, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कॉस्ट, तो ऐसे केस में आप रॉ मटेरियल पे ही रॉ मटेरियल को कॉस्ट पर मेजर करोगे। बट अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम है, आपको लगता है फिनिश गुड्स का जो एनआरवी वो 100 रुपए है और कॉस्ट है 130, आप अपने फिनिश गुड्स को
कम प्राइस पे बेच रहे हो, मतलब कॉस्ट से भी लोअर प्राइस पे बेच रहे हो, मतलब आपका फिनिश गुड्स बहुत ही भंगार हो गया है, डेड स्टॉक हो गया है, और उसका वो मतलब आप अपना पूरा कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अब वो रॉ मटेरियल को भी आप आगे यूज नहीं करोगे, आप उससे और फिनिश गुड्स नहीं बनाओगे, वैसे ही साला बिक नहीं रहा है, उसकी एआर भी कम है, अब आप और क्या बनाओगे। तो ऐसे केस में आप चाहोगे कि डेफिनेटली मैं इस रॉ मटेरियल को रिप्लेस करूं सप्लायर से और मैं नया रॉ मटेरियल लेके आऊं, मैं कुछ और लेके आऊं। तो ऐसे केस में आप मेजर रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो याद रखिएगा, जब भी फिनिश गुड्स का एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम है, मतलब आप फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर कर रहे हो, तो आप रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करोगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपको पॉइंट, तीन पॉइंट समझ में आ गए। हमने मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री देखा, इन्वेंट्री का डेफिनेशन देखा, दूसरा अपन ने नॉन एप्लीकेबिलिटी देखा, और तीसरा अपन ने देखा मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें एक पॉइंट और डाल दीजिए जो इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट ऑफ WIP, WIP को मेजर कैसे करते हैं, WIP को मेजर करते हैं कॉस्ट टिल डेट, क्योंकि WIP है तो अभी फर्दर कॉस्ट अभी इनकर होगी, पर फिलहाल कॉस्ट टिल डेट और NRV लोअर ऑफ। अब आप बोलोगे सर WIP की NRV कैसे फाइंड आउट करेंगे, सही बात है क्योंकि WIP की तो आप कभी बेचोगे नहीं, तो WIP की NRV कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, WIP की NRV हाउ टू फाइंड आउट। ऐसे केस में आप NRV ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट करोगे, सर फिनिश गुड्स की NRV, हाँ, उसमें से माइनस करोगे एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, क्योंकि वो WIP है, इसका मतलब उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अभी और भी खर्चा आएगा, वो माइनस कर लोगे। जैसे ही आप वो माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा NRV ऑफ WIP। तो ये वाला पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपका ये हो गया NRV ऑफ WIP। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई कॉस्ट। अब हमने देखा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, NRV पे हमने बहुत सारी बातें की, अब अपन कॉस्ट पर बात करते हैं। ये कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको लग रहा होगा सर कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत क्या है, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, आप देखोगे कि अब इन्वेंट्री आपने कितने में खरीदा था, हो गया आइडेंटिफाई। बेटा जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर मान लो आप लार्ज वैरायटी में इन्वेंट्री यूज कर रहे हो, आप बहुत बार इन्वेंट्री को कई बार परचेस कर रहे हो, कई बार प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हर अलग टाइम पे प्रोडक्शन करते वक्त हर टाइम कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो सकता है डिफरेंट है। अप्रैल के टाइम पे कॉस्ट पर प्रोडक्शन कुछ और हो सकती है, मई के टाइम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और हो सकती है, जून की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ हो सकती है, रॉ मटेरियल आपने परचेस किया अलग अलग डेट्स पर परचेस किया, अलग अलग रेट पे परचेस किया, अलग अलग प्राइसेस पे परचेस किया। अब आपके पास जो ईयर एंड पे इन्वेंट्री रखा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपका अप्रैल का इन्वेंट्री था कि मई का था, कौन सा वाला प्रोडक्शन का था, तो कई बार दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में आपको ये चेक करना है कि इन्वेंट्री का नेचर कैसा है। इन्वेंट्री के दो नेचर हो सकते हैं, पहला नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, और दूसरा ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल मतलब ऐसी कोई इन्वेंट्री जो आपके पास बैलेंस शीट पे रखी हुई है और आप इसको किसी दूसरी इन्वेंट्री से इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसे एयरक्राफ्ट्स, शिप, आप जब शिप बनाते हो, एयरक्राफ्ट बनाते हो, तो ऐसा नहीं बोलते हो कि हाँ दो चार रखे हैं मेरे पास, कोई भी लेके जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मैं बात करूं कैलकुलेटर की, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, माउस की, मोबाइल फोन की, वो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, क्योंकि एक ही टाइम पर आप हजारों सेम कैटेगरी के कार, सेम कैटेगरी के ये कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बट जब हम बात करते हैं शिप्स की, एयरक्राफ्ट्स की, ज्वेलरी की, ये ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं होती, ये कस्टमाइज्ड बेसिस पे बनता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ऐसी इन्वेंट्री जो आप कस्टमाइज्ड बेसिस पे बनाते हो वो है आपके पास, या फिर आप नॉर्मली जो आप बैच में बनाते हो, मतलब एक ही इकट्ठा बनाया, एक ही बार में हजार प्रोडक्ट तैयार हो गए, ठीक है ना, हजार क्वांटिटी तैयार हो गई, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। अगर आपकी इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है
तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, मतलब कस्टमाइज इन्वेंट्री है तो आपको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा कि इस कस्टमाइज इन्वेंट्री को बनाने के लिए आपने कौन कौन सा खर्चा किया था। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके चेक करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये कौन सा खर्चा किया था। तो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब उस इन्वेंट्री को बनाने के लिए कौन कौन सा खर्चा हुआ आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, लेबर इतना लगा, ओवरहेड इतने लगे, मटेरियल इतना लगा, आप आइडेंटिफाई करोगे एक्चुअल बेसिस पर। मतलब कुल मिला के आप लिख सकते हो एक्चुअल बेसिस। अगर आपकी इन्वेंट्री कस्टमाइज नेचर की होगी तो, पर अगर आपकी इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है उसमें भी डिपेंड करता है आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच। आप बोलोगे सर हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से चेक कर लो, नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से चेक मत करो, एस्टीमेट करो कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। हिस्टोरिकल अप्रोच में दो तरीके हैं, फीफो और वेटेड एवरेज। आप सब जानते हो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है वो आप मान लेते हो कि एंड में जो आपने परचेज किया था, सबसे लास्ट में जो आपने परचेज किया था जिस प्राइस पर, उसी प्राइस के हिसाब से आप इन्वेंट्री को मेजर करते हो। वेटेड एवरेज मतलब, वेटेड एवरेज मतलब आपने अलग अलग डेट्स पर अलग अलग इन्वेंट्रीज, अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग प्राइस पर परचेज किया, सबका आप वेटेड एवरेज ले लो। प्राइजेस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, प्राइस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी इंटू टोटल क्वांटिटी, ऐसा करके, ठीक है ना। ये होता है वेटेड एवरेज। ये दोनों चीजें किस में आती है, हिस्टोरिकल अप्रोच में आती है। नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या आता है, नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच में कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखे देखने की जरूरत नहीं। दो मेथड्स हैं, रिटेल प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये कंटेंट जो है बहुत ही कम पूछा जाता है, फीफो वेटेड एवरेज फिर भी पूछा जा सकता है, ये कंटेंट कम पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रिटेल प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड तो ऐसा है कि आपने अपनी कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड मटेरियल प्राइस पर यूनिट आप एस्टिमेट करते हो, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ओवरहेड्स, उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेंट्री को मेजर करते हो। अब ये मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कौन अप्लाई कर सकता है, ऑब्वियसली उसी इंडस्ट्री में ये अप्लाई हो सकता है जिस इंडस्ट्री में एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। ऐसी कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटिंग करती ही नहीं है वो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं वही कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई करती हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उन्हीं के लिए बनाया गया है, जहां हर महीने अपने अलग 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 स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं। दूसरा रिटेल प्राइस, हाउ टू यूज, वेन टू यूज। वेन टू यूज में लिखा है वेन देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सिमिलर मार्जिन। मान लीजिए मैं एक मॉल या मेरे पास एक सुपरमार्केट टाइप का स्टोर है जहां पर मेरे पास वैरायटी ऑफ गुड्स है और मेरा जनरली सभी गुड्स के ऊपर मार्जिन जनरली सेम है। मेरा मार्जिन मान लीजिए 12-15% के बीच होता है सभी प्रकार के गुड्स पर। मेरा मार्जिन सभी प्रकार के गुड्स पर 12-15% का वो मार्जिन होता है जीपी। मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, मैं टोटल गुड्स का जितना भी सेल वैल्यू होगा उसमें से मैं जीपी माइनस कर दूंगा, मेरा कॉस्ट पर यूनिट मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर सेल वैल्यू कहां से लाओगे, सेल वैल्यू ऑब्वियसली मेरे सिस्टम पे बार कोड के अकॉर्डिंग जैसे रहता है। आप किसी भी मॉल में जाते हो, किसी भी सुपर स्टोर जाते हो तो बार कोड से सेल प्राइस मालूम पड़ जाती है, तो ऑब्वियसली सेल प्राइस जो होगी मेरे गुड्स की मेरे रिकॉर्ड में होगी, सबके टोटल करके माइनस जीपी करूंगा आ जाएगा मेरा कॉस्ट पर यूनिट। हाउ टू यूज सेल इज टू बी एडजस्टेड विद जीपी। जनरली कब यूज होता है, जब आपका सिमिलर मार्जिन होता है। सिमिलर मार्जिन आप हर प्रकार के प्रोडक्ट पे आप लगभग लगभग 19-20 करें, लगभग आपका मार्जिन सिमिलर रहता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर हाउ टू आइडेंटिफाई कॉस्ट, कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, व्हेन एन इन्वेंटरी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, आप किसी भी इन्वेंटरी को एक्सपेंस कब मानते हो। पहला, जब आप इन्वेंटरी परचेस करके लाते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज करते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप चार्ज करते हो और वो इन्वेंटरी आपने बेच दिया तो डेफिनेटली COGS व्हेन द एक्चुअली सोल्ड। पर अगर आपने वो इन्वेंट्री नहीं बेचा तो आपको पता होगा कि अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो पहली बात, जब आप इन्वेंट्री परचेस करके आते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखाते हो, पर अगर वो अनसोल्ड रह जाती है तो आप उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हो। तो अल्टीमेटली अनसोल्ड इन्वेंट्री आप एक्सपेंस नहीं दिखाते हो, आप इसको असेट दिखाते हो। देखो यहां पर लिखा भी था इन्वेंट्री मीज एन असेट, इसका मतलब दो बातें समझनी है आपको। इन्वेंट्री पहले तौर पर आपका असेट होता है जब तक वो बिक नहीं रहा, पर जैसे ही वो आपका इन्वेंट्री सेल हो गया तो इट बिकम्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इट इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इन्वेंटरी इफ अनसोल्ड इट इज असेट, इन्वेंटरी इफ इट इज सोल्ड इट इज एक्सपेंस। दूसरा, व्हेन रिड्यूस टू एनआरवी, अब इन्वेंटरी को एक्सपेंस और कब मानते, कॉस्ट उसकी 140 थी, आपके बुक्स में 140 दिख रही है, बट उसकी एनआरवी 120 है, तो आप 20 रुपी आप उस एनआरवी को कितने पे रिकॉर्ड करोगे, 120 पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वेंटरी को परचेस करके लाए 140 रुपीज पे,
अब ये अनसोल्ड रह गई तो डेफिनेटली वो आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में आप उसको किस पे दिखाओगे, कॉस्ट और एनआरवी, व्हिचएवर इज लोअर। अब एनआरवी उसका 120 है तो आपने उसको क्या दिखाया, 120 पे दिखाया। तो अल्टीमेटली देखो आपका 20 रुपए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो व्हेन यू वैल्यू द इन्वेंट्री एट एनआरवी तो जो भी रिडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आता है। दूसरा, अब मान लीजिए कुछ ऐसे इन्वेंट्रीज होती हैं जिनको आप डायरेक्टली पीपीई में कैपिटलाइज करते हो, क्योंकि पीपीई को बनाने के लिए आपने मान लो कुछ इन्वेंट्री खरीदा। अब उस इन्वेंट्री को आप कैपिटलाइज करोगे पीपीई में AS10 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे केस में पीपीई की जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे। जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अल्टीमेटली इन्वेंट्री जिसको आपने पीपीई की कॉस्ट में ऐड किया था उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा और वो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली आपके पीएनएल में आएगा। तो इन्वेंट्री आपका तीन तरीके ऐसे हैं जहां पर इन्वेंट्री आपका एक्सपेंस माना जाएगा। इन्वेंट्री फर्स्ट टाइम तो आपका असेट माना जाएगा, पर वो कब एक्सपेंस माना जाएगा, जब पहला वो सेल हो जाएगा, दूसरा सेल नहीं हुआ पर आपने उसको मेजर किया एनआरवी पे तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा तो आपका बीच का नुकसान, और तीसरा जब आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो किसी पीपीई की कॉस्ट में, जब पीपीई की कॉस्ट में वो कैपिटलाइज हो जाएगा तो आगे चल के डेप्रिशिएट होगा और डेप्रिसिएशन के रूप में वो इन्वेंट्री आपके पीएनएल में जाएगी। आई बात समझ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम स्पेशल केसेस। जब आप इन्वेंट्री खरीदते हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है और आगे चल के आप जब पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है। याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट इन्वेंट्री की कॉस्ट में से, परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं पर कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करते। कैश डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो आप डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करते हो। ये बच्चों को बात 11th क्लास से समझाई जाती है कि ट्रेड डिस्काउंट बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस करते हैं डायरेक्टली, जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है वो आपको गुड्स पे नहीं मिलता है, वो आपको जल्दी पेमेंट करने के लिए मिला है तो आप उसको डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करते हो। तो ये आपका पीएनएल में जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा है कंसीडर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कॉस्ट में से लेस करेंगे। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ पीपी इनटू इन्वेंट्री। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आपने कोई असेट खरीदा और आगे चल के आपने उसको पीपी, मतलब वो आपका पीपीई था, आपने चल के आगे चल के आपने उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर लिया। सर कोई एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है जहां मैं कार खरीदता हूं, कई सारी कार्स है मेरे पास अलग अलग रेंज की, और वो मैं ट्रेवल पे चलाता हूं या फिर वो मैं मान लीजिए रेंट पे चलाता हूं। अब मान लीजिए मेरी पॉलिसी है कि जब भी मैं कार परचेस करूंगा वो तो मेरी फिक्स एसेट है, उसको मैं रेंट पे चलाऊंगा, पर मैं मैक्सिमम उस कार को यूज करूंगा 5 साल के लिए। आप भी जानते हो कि कार की यूजफुल लाइफ हो सकता है 10 साल हो, 15 साल हो, कुछ भी हो सकती है, पर 5 साल से ज्यादा ही होगी। तो मेरी पॉलिसी है कि कार में जब परचेस करूंगा मैं सिर्फ 5 साल तक चलाऊंगा, 5 साल तक उसको रेंट पे चलाऊंगा। मान लीजिए मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर बेस मेरा हाई लेवल कस्टमर बेस है जिसको न्यू कार ही पसंद है और मैं हाई लेवल कस्टमर्स को ही सर्व करता हूं। मैंने कार को परचेस किया, मैंने उसको पीपीई माना, 5 साल तक मैंने यूज करवाई, रेंट पे दी, 5 साल जैसे ही हुए कार को मैंने बेच दी। अब ये मेरी पॉलिसी बन चुकी है। मान लीजिए मेरी कंपनी में 50 कार है, ऐसे ही होता है, जब जब 5 साल हो जाते हैं मैं उसको बेच देता हूं, न्यू लेके आता हूं, बेच देता हूं, न्यू लेके आता हूं। इसका मतलब मेरा बिजनेस क्या है, मैं कार खरीदूंगा, 5 साल तक यूज करूंगा, फिर मैं उसको बेच दूंगा। इसका मतलब एक टाइम के बाद मैं अपनी पीपीई को कन्वर्ट कर रहा हूं इन्वेंट्री में, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री, मेरा कार बेचना भी एक नॉर्मल धंधा बन चुका है। तो इट विल बिकम द इन्वेंट्री, मतलब सेकेंड हैंड कार का धंधा बन गया मेरा। तो ऐसे केस में कन्वर्जन ऑफ पीपी इनटू इन्वेंट्री, ऐसे केस में क्या करना चाहिए। When such PP is sold regularly after using in the ordinary course of business, such sale of PP shall be booked as sale of inventory on gross basis. ये कहा गया है कि अगर आपका धंधा ही यही है कि PPE को एक टाइम बाद आप बेचते ही और आपका ये बेचने का एक रेगुलर बिजनेस हो चुका है, तो ऐसे केस में बेचने पे जो अभी आपको सेल प्रोसीड्स मिल रहा है वो आपका नॉर्मल सेल माना जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत क्या है, बड़ी बात क्या, तो ऐसा तो हमेशा होता है। नहीं, जब आप आमतौर पर मशीन या पीपीई को बेचते हो तो आपकी सेल नहीं होती, आप उसको पीपीई अकाउंट से लेस करते हो, पर यहां पर जब आपने पीपीई को इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया है और जो सेल प्रोसीड आया आप उसको नॉर्मल सेल मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाओगे। स्पेयर्स टूल्स इक्विपमेंट्स यूज इन द पीपीई। हाँ, अब आप ये बोलो कि आपने कोई मशीन खरीदा, अब उस मशीन में कुछ स्पेयर पार्ट्स यूज हो रहे हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, आप उनको क्या मानोगे। अगर उनकी लाइफ 12 महीने से कम है तो आप उनको इन्वेंट्री मानते हो, ठीक है। तो अगर उनकी लाइफ 12 महीने से कम है, इफ दे डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ AS10, अगर स्पेयर पार्ट्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अगर AS10 में फॉल नहीं होते, AS10 में फॉल नहीं होते मतलब उनकी लाइफ कम है, उनकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से कम है, तो ऐसे केस में वो इन्वेंट्री माने जाएंगे। बट अगर उनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है तो वो AS10 में ही कवर होंगे, मतलब उनको पीपीई की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाएगा। लास्ट, अलोकेशन
ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ये भी चीज आपने कॉस्ट शीट में पढ़ी हुई है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, सॉरी, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट की। आपने कोई कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया जिससे आपके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए। अब टोटल कॉस्ट को दो अलग अलग प्रोडक्शन, दो अलग अलग कॉस्ट में, दो अलग अलग इन्वेंट्रीज, दो अलग अलग यूनिट्स, दो अलग अलग गुड्स में कैसे एलोकेट करोगे? टोटल कॉमन कॉस्ट को आप एलोकेट करोगे दोनों यूनिट्स की एस्टिमेटेड सेल वैल्यू पे। अगर आप उसको आगे चल के बेचोगे तो कितने में बेचोगे, उस सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में आप कॉमन कॉस्ट को एलोकेट करते हो। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का क्या होता है? सिंपल, बाय प्रोडक्ट जहां एक मेन प्रोडक्ट होता है और एक बाय प्रोडक्ट होता है। एएस कहता है कि बाय प्रोडक्ट को इन्वेंट्री मानना ही नहीं है, आपको क्या करना है, बाय प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी आएगा, बाय प्रोडक्ट को आप अल्टीमेटली जितने में भी स्क्रैप सेल करोगे, जो भी आप वैल्यू पे सेल करोगे, उसका एनआरवी आप टोटल कॉस्ट में से लेस करोगे, नेट जो कॉस्ट होगा वो सिर्फ मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा। तो बाय प्रोडक्ट के केस में अपन बाय प्रोडक्ट को कभी भी इन्वेंट्री नहीं मानते, उसको अपन जितने प्राइस पे आगे चल के बेचेंगे वो प्राइस को अपन टोटल कॉस्ट से लेस करेंगे, नेट कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल मेन प्रोडक्ट, ठीक है, और आपकी इन्वेंट्री में सिर्फ मेन प्रोडक्ट दिखेगा। सो गाइस, दिस वॉज AS2 का एक क्विक रिविजन। मैंने पूरी कोशिश की कि सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूं, इसमें आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमने हर पॉइंट कवर किया, ऐसे पॉइंट्स भी कवर किए जो शायद आपने, अगर मान लीजिए मेरी रेगुलर क्लासेस नहीं लिए, आपने अगर रेगुलर क्लासेस किसी और फैकल्टी के लिए होंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने कभी रेगुलर कोर्सेज में, आपने अपनी नॉर्मल क्लासेस में भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। सो गाइस, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए रहिएगा, ऐसे चार्ट रिविजन कई सारे आएंगे, बट ये याद रखिएगा चार्ट रिविजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्पज से हैं, सिर्फ रिविजन पर्पज से हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अगर आप ये पढ़ रहे हो, आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें ना समझ में आए। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप ये चार्ट बुक परचेस करना चाह रहे हो तो उस चार्ट बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।